बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर आमिर खान की पत्नी किरण राव अब सामने आ चुकी है। किरण राव ने खुद तलाक के 2 साल बाद अपने पति आमिर खान पर किया चौंकाने वाला खुलासा। उन्होंने वजह बताई अपने तलाक की और साथ ही इस बात का खुलासा भी किया कि आखिर आमिर खान के साथ उनका रिश्ता शादी के दौरान कैसा था और अब शादी के बाद और तलाक के बाद कैसा है उनका रिश्ता। खुद किया किरण राव ने खुलासा, क्या कुछ कहा किरण राव ने, देखिए ये वीडियो। तलाक के 2 साल बाद आमिर खान के साथ रिश्ते पर बोली किरण राव, हर फैसले के लिए है शुक्रगुजार, खुद बताई तलाक की वजह। आमिर खान बीते कई समय से एक्टिंग ब्रेक पर हैं। इन दिनों आमिर खान अपने परिवार के साथ समय गुजार रहे हैं। फिल्मों से दूर होकर भी आमिर खान सुर्खियों से जुड़े रहते हैं। हाल ही में आमिर खान अपनी एक्स पत्नी किरण राव के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में आए। इस दौरान इंटरव्यू में आमिर खान एक बार फिर से मीडिया के सामने आ गए। आमिर खान ने साल 2021 में पत्नी किरण राव को तलाक दिया था। इसके बाद से दोनों अकेले ही जिंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव ने फिल्म कंपेनियन को इंटरव्यू दिया, जिसमें किरण राव ने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। किरण राव ने अपने इंटरव्यू में आमिर खान की जमकर तारीफ की, साथ ही ये भी कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनके साथ जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वक्त बिताया। डायरेक्टर किरण राव ने आमिर खान के साथ फिल्म का जिक्र किया और काम एक बेहतरीन अनुभव बताया। किरण राव ने बताया कि आमिर खान मेरी जिंदगी का सबसे बेहद जरूरी सपोर्ट रहे। आमिर खान को हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट मिली थी, इसके बाद उन्होंने मुझे इसे डायरेक्ट करने का ऑफर दिया था। हमने फिल्म के दौरान कई तरह की चीजें एक साथ झेली हैं। फिल्म कभी भी आमिर खान के साथ खराब रिश्ता नहीं रहा, मैंने जितना भी वक्त गुजारा है वो बेहतरीन था। किरण राव ने अपने एक्स पति आमिर खान की जमकर तारीफ की, साथ ही बताया कि तलाक के बाद भी ज्यादा चीजें नहीं बदली। आमिर खान से तलाक के बाद भी किरण राव को सपोर्ट मिलता है। किरण राव ने इंटरव्यू में बताया कि तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत है, आज भी आमिर खान मुझे सपोर्ट करते हैं। किरण राव इन दिनों अपनी फिल्म लापता लेडीज की तैयारी में काफी ज्यादा व्यस्त है। किरण के इस फिल्म के डायरेक्ट किया है। ये फिल्म अगले साल की शुरुआती महीनों में रिलीज होगी। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।